हेलो एवरीवन, आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग दमदार मज़ेदार चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बोर्ड एग्ज़ाम्स कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हर जगह प्रोबेबिलिटी का बोलबाला रहता है। हर एग्ज़ाम में प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आप जब भी आगे फर्दर बोर्ड एग्ज़ाम्स के बाद जब आप नौकरी के लिए जाएंगे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे, चाहे वो SSC की बात कर लीजिए, बैंकिंग की बात करिए, रेलवे की बात करिए, PCS की बात करिए, IAS की बात करिए, हर एग्ज़ाम में आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। और इसका फाउंडेशन कहाँ से तैयार होता है? हमारी जो क्लास 9-10th की NCERT है वहीं से इसका फाउंडेशन तैयार होता है। और इवनली हमारी जो NCERT की बुक है ना, क्लास 9-10 से डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलते हैं IAS में भी PCS में भी। तो आज हम बात करेंगे बेसिक लेवल से। पहले हम बात करेंगे कि प्रोबेबिलिटी है क्या, हिस्ट्री क्या है इसकी, पढ़ते क्यों हैं, एक एक चीज़ हमको क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसे समझेंगे। ओके, देखो तो प्रोबेबिलिटी मतलब क्या, संभावना। जैसे कि कल बारिश होगी कि नहीं, इसकी क्या संभावना है। जैसे आज क्रिकेट मैच हो रहा है और आज मैच हो भी रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, तो मैच कौन जीतेगा, इसकी क्या संभावनाएं हैं। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे डेली लाइफ में आती रहती है जिसका सॉल्यूशन हद तक हम लोग किसकी हेल्प से निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी की हेल्प से। ठीक, तो ये था हमारा प्रोबेबिलिटी का बेसिक कंसेप्ट। अब जैसे समझ लो, मान लो कि क्रिकेट मैच होने वाला है, दो टीम है, टीम ए और टीम बी, दोनों के कैप्टन क्या करेंगे, पहले ग्राउंड में जाते हैं और क्या करते हैं, टॉस करते हैं, एक क्वाइन को क्या करते हैं, थ्रो करते हैं। क्वाइन को थ्रो करने के बाद हेड आएगा या टेल, ये कोई नहीं जानता है। ठीक, अगर मान लो कि कोई कैप्टन है बोलता है कि हेड आया तो जीत जाएगा, फिर उसकी च्वाइस कि वो बैटिंग ले या फिर फील्डिंग, ये भी क्या है, एक प्रोबेबिलिटी है। इसी को क्या बोलते हैं, जैसे एक क्वाइन को टॉस किया गया तो हेड आएगा या टेल, इसकी पॉसिबिलिटीज क्या है, 50-50%। टॉस होगा तो हेड आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, 50%। ये क्या है, इसी पॉसिबिलिटी वर्ड को ही क्या बोलते हैं, या चांस, यही क्या होता है, आपका प्रोबेबिलिटी हो जाता है। ओके, ये था प्रोबेबिलिटी का हमारा एक बेसिक कंसेप्ट था। अब देखो, मेन प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए हम करेंगे क्या, बात किसकी करेंगे, एक्सपेरिमेंट की। बात किसकी करेंगे, एक्सपेरिमेंट की। जब अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिनका रिजल्ट हमें पहले से नोन होता है और फर्दर उसको हम बार बार एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो हमें रिजल्ट फिर वही मिलता है। तो जैसे एग्जांपल, जैसे अगर हम ले लें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आप चाहे जितनी बार प्रैक्टिकल करो उसकी वैल्यू 1.333 ही आती है। ओके, लेकिन अब क्या, दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या होता है, यहाँ पे आपको रिजल्टेंट पता नहीं होता है, रिजल्टेंट यहाँ पे क्या होता है, अननोन होता है। जैसे टॉसिंग अ क्वाइन, जब आप क्वाइन को टॉस करोगे तो हेड आएगा या टेल, इसके बारे में आपको कोई आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने क्या किया, टॉस करा तो हेड आ जाए, फिर दूसरी बार भी टॉस करो हेड ही आ सकता है, फिर तीसरी बार करें फिर हेड आ गया, चमत्कार हो रहा है, हेड ही हेड है, या फिर आप टॉस करें टेल आ गया, फिर टेल आ गया। तो इस एक्सपेरिमेंट के बारे में हमारे पास कोई प्रिडिक्शन नहीं है, हमको कुछ नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है। तो हम प्रोबेबिलिटी की शुरुआत पहले किसके थ्रू समझेंगे, एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो इसको मेरे साथ आप लोग राइट डाउन करते चलो, तो एक्सपेरिमेंट तो कितने टाइप के एक्सपेरिमेंट हो गए, दो टाइप के। यहाँ पे क्या होता है, रिजल्ट आपका नोन होता है, और यहाँ पे जो आपका होता है रिजल्ट अननोन होता है। यहाँ पे रिजल्ट क्या होता है, अननोन होता है। जैसे रिजल्ट नोन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास इक्वल टू 1.33। ठीक, अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या है कि आप चाहे जितनी बार एक्सपेरिमेंट करो हमेशा ये वैल्यू यही आएगी। ठीक, और दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, हमारा रिजल्ट क्या होता है, अननोन होता है। जैसे एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल क्या ले लिए, टॉसिंग
आ क्वाइन। जब आप क्वाइन को टास करोगे तो ये आपका हेड भी आ सकता है या आपका क्या आ जाएगा, टेल आ सकता है। मतलब हम इसका कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, ठीक। तो जो जो इस टाइप के एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसका रिजल्टेंट क्या होता है, अननोन होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी एक्सपेरिमेंट का नाम बोला जाता है रैंडम, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये कौन सा एक्सपेरिमेंट हो गया आपका, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक। यही वर्ड बार बार यूज होगा जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट की भी क्या होगी, कुछ कंडीशंस होगी, कुछ क्या, मेनली बेसिकली टू कंडीशंस होती है। पहली क्या होगी कि जैसे इसका क्या है, हमें जो रिजल्टेंट क्या आने वाला है ये हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ये हमको पता नहीं रहता है। तो इसकी जो पॉसिबिलिटीज होती है इसको राइट डाउन कर लो। जैसे इसमें क्या हो गया, पहला लिख लो पॉसिबल आउटकम। अब इसमें होता है कि पॉसिबल, पहला पॉसिबल आउटकम क्या होना चाहिए, मोर देन वन। जो हमारा पॉसिबल आउटकम होना चाहिए रैंडम एक्सपेरिमेंट में, मोर देन वन। अब ऐसा नहीं कि जब उसका पॉसिबल आउटकम मोर देन, जैसे एक क्वाइन को टास्क करें, सोले वाला क्वाइन, क्या था सोले के क्वाइन में, दोनों साइड क्या था, हेड हेड ही था। अगर हम कोई ऐसा क्वाइन ले लें कि इधर भी हेड और उधर भी हेड, अगर उसको हम टास्क करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, हेड हेड ही आएगा। तो वहाँ पे जो पॉसिबल आउटकम होगा सिर्फ हेड होगा, ठीक है। तो इसलिए रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात जब भी करेंगे प्रोबेबिलिटी में अब, तो पॉसिबल आउटकम मोर देन क्या होना चाहिए, वन। हमारा जो भी पॉसिबल आउटकम होगा हमेशा एक से ज़्यादा होगा, देन तब हम प्रोबेबिलिटी में क्या करेंगे, एंटर करेंगे, और नहीं तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट नोन वाली बात, कि इस केस में हमेशा पॉसिबल आउटकम वन ही आएगा, वन। वन मतलब क्या, काउंटिंग में वन, 1.333, ओके। तो ये रहा पहली कंडीशन, और इसके बाद से दूसरी कंडीशन, ठीक, दूसरा लिख लो, इसमें सेकंड क्या हो जाएगा, कैन नॉट प्रिडिक्ट, कैन नॉट प्रिडिक्ट, कैन नॉट प्रिडिक्ट आउटकम, ठीक, कैन नॉट प्रिडिक्ट आउटकम। हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं आउटकम्स का, ठीक है, कब, इन एडवांस, ठीक। हम एडवांस में जो हमारा आउटकम है उसका हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं कि हमारा ये हेड ही आएगा, ये टेल ही आएगा, ठीक। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को अपन क्या बोलेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ तक हम प्रोबेबिलिटी में एंटर कर चुके हैं, एक वर्ड क्या सीखे, रैंडम एक्सपेरिमेंट। और इसी रैंडम एक्सपेरिमेंट में बार बार एक वर्ड क्या आ रहा है, आपका आउटकम, ठीक। ये क्या आता है आपका, एक वर्ड आउटकम। बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो अब देखो, अब इसके बाद से नेक्स्ट जो हेडिंग लिखेंगे, पहले छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं ना, उसको सुनने के साथ साथ नोट्स बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दूँ समझ में, तो कहानी बहुत आएगी कि हाँ सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, क्या मज़ा आ गया, दिल खुश कर दिया। बट होगा क्या ना, अगर आपके पास नोट्स नहीं रहेगा तो फर्दर आप जब भी रिवाइज करोगे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्या करनी पड़ती है, फेस करनी पड़ती है। तो हमने पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट को समझाया, और ये आया कैसे ये भी आपके दिमाग में घुस गया होगा, और रटना भी नहीं है यार, एक बार सुनो प्रोबेबिलिटी तैयार हो जाएगी, ठीक। बेसिक प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक। अब देखो, अब रैंडम एक्सपेरिमेंट आप समझ गए, यहाँ पे एक वर्ड आया आउटकम। तब ये आउटकम क्या होता है, इसकी डिफिनीशन भी जाननी जरूरी है यहाँ, ओके। अब हम बात किसकी करेंगे, आउटकम की, आउटकम, ठीक। अब आउटकम की क्या करेंगे, हम डिफिनीशन लिखेंगे। तो इसमें लिख लीजिए कि ऑल पॉसिबल, ऑल पॉसिबल रिजल्ट, ऑल पॉसिबल रिजल्ट ऑफ किसका,
अ रैंडम एक्सपेरिमेंट और रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड आउटकम। ये हमारी आउटकम की डिफिनेशन होती है कि ऑल पॉसिबल रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड आउटकम। ये हमारा हो गया आउटकम, क्लियर हुआ? ठीक, अब है क्या, जैसे अब एग्जांपल इसको समझ लो, एग्जांपल के थ्रू ये हो गया पहला अ टॉसिंग, टॉसिंग लिख लो सीधे, टॉसिंग अ क्वाइन। ठीक, जब टॉसिंग अ क्वाइन करोगे तो ये हमारा हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो इसी को क्या बोलते हैं कि ऑल पॉसिबल रिजल्ट। रिजल्ट में क्या आएगा, या तो हेड आएगा, हेड को एस से डिनोट करोगे और टेल को टी से, देन ये क्या बोला जाएगा आपका क्या हो जाएगा, यही होगा आपका आउटकम या फिर रोलिंग अ डाई। जब एक डाई को आप रोल करोगे तो आपका 1, 2, 3, 4, 5 या 6 ये आएगा, तो इसी सारे को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं आउटकम। ठीक, अब आउटकम से ही हमें नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी का मेन जो बेस होता है जिसके थ्रू हम हर प्रोबेबिलिटी के फार्मूले में राइट डाउन करते हैं, उसका कंसेप्ट निकल के आएगा और वो क्या कहलाएगा आपका सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, ठीक, तो देखो सैंपल स्पेस क्या होता है, जो भी हमारा ये पॉसिबल आउटकम आ रहा है ना, इसको अपन करेंगे क्या, सिंपल एक ये कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे, इसी को क्या बोलते हैं हम सैंपल स्पेस। जो भी आउटकम था इन अ कर्ली ब्रैकेट में जब उसको आप लिख दोगे, इसी को आप क्या बोलते हो सैंपल स्पेस। तो अब हम सैंपल स्पेस की डिफिनीशन लिखेंगे, तो लिख लो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज सैंपल स्पेस। ये हमारा बन गया क्या अब सैंपल स्पेस। तो देखो जब भी एलिमेंट्स को हम इन कर्ली ब्रैकेट, सेट वर्ड आने से घबराना नहीं है, करेंगे क्या, जो भी हमारे आउटकम्स आए हमने ऐसे लिख दिया 1, 2, हेड यहाँ लिखा, टेल क्या किया, और किए क्या उसको हमने एक घर के अंदर रख दिया, एक घर के, घर कैसा है कर्ली ब्रैकेट, बिना कर्ली ब्रैकेट, जब इसी को हम सारे आउटकम्स को एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं सेट बोलते हैं, और वही सेट आपका क्या कहलाएगा सैंपल स्पेस। यही होता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। तो जैसे आपका एक्सपेरिमेंट हो गया, एग्जांपल लिख लो रोलिंग अ डाई। ठीक, अब इसके बाद सैंपल स्पेस की बात करोगे, ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 और ये हो गया 6। ओके, क्लियर हुआ? ये हमारा क्या होता है सैंपल स्पेस। और इसी में आता है जब आप इसको करोगे क्वेश्चंस को, तो पूछा जाता है आपसे नंबर ऑफ क्या पूछा जाए सैंपल स्पेस। तो क्या है यार सिंपल काउंटिंग, कितने सैंपल स्पेस हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो यहाँ पे जब भी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से जैसे जैसे सैंपल स्पेस बनेगा तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस को काउंट करके लिख दिया जाता है। ठीक, अब सैंपल स्पेस, ठीक, अब इसी सैंपल स्पेस का छोटा भाई, ये तो बड़ा भाई या कहो बॉस, इसी फैमिली का एक छोटा मेंबर आएगा जो बार बार प्रोबेबिलिटी में हम यूज करेंगे, और उसका नाम क्या होता है इवेंट, घटना बार बार यूज होता है। तो अब हम क्या करेंगे इवेंट को समझेंगे, तो बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके,
अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग, लिख डालो इवेंट। अब देखो इवेंट क्या होता है, ठीक। अब देखो इवेंट को समझने के लिए एग्जांपल ले लो, सबसे बेस्ट यही रोलिंग अ डाई, ठीक। अब देखो यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे थोड़ा रुकते हैं। सैंपल स्पेस को हमेशा किससे डिनोट करोगे, कैपिटल एस से। सैंपल स्पेस को अपन किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एस से। तो कैपिटल एस इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 और इसको 6 से डिनोट करोगे। ओके, क्लियर हुआ कि हम सैंपल स्पेस को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एस से। क्लियर, ओके। आप देखो वैसे ही इवेंट को ई, कोई ज़रूरी नहीं है इवेंट में आप ई भी ले सकते हो, एफ भी ले सकते हो, कहीं ए भी लेते हैं, बी भी लेते हैं, इवेंट के लिए फिक्स नहीं है। बट सैंपल स्पेस को अपन किससे डिनोट करेंगे, एस से। तो हम जनरल में ऐसे ई ले लिए, लेकिन ये इवेंट चेंज होता रहता है, ई की जगह एफ भी दे देगा, ई वन ई टू ई थ्री भी दे देता है, ठीक। ये कोई इसका वो नहीं है, ठीक। अब चलो द रोलिंग अ डाई, तो यहाँ पे सैंपल स्पेस एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3, 4, 5 और 6। अब देखो अब यहाँ पे हम एक इवेंट डिफाइन करेंगे, और इवेंट क्या डिफाइन करेंगे, ठीक, नंबर ऑफ अपियरिंग, नंबर अपियरिंग अपियरिंग ग्रेटर ग्रेटर देन 3। अब देखो इसी सैंपल स्पेस का छोटा भाई, जो भी इवेंट डिफाइन होगा इसी सैंपल के बिहाफ पे बेसिस पे ही हम इवेंट को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो इस इवेंट का अपन नाम दे दिए ई, और इवेंट को भी हमेशा इन अ कर्ली ब्रैकेट में ही आप राइट डाउन करोगे। तो इस इवेंट में क्या है, नंबर अपियरिंग ग्रेटर दैन 3, यही वाला सेम रोलिंग अ डाई। अब इसी के अंदर क्या बताना है, नंबर अपियरिंग ग्रेटर दैन 3। यहाँ पे देखो ग्रेटर देन 3, 4, 5 और क्या हो जाएगा, 6। मतलब 3 से बड़े क्या क्या हो जाएंगे, 3 से बड़ा आपका 4, 5 और ये क्या हो गया, 6। तो ये हमारा क्या है, इवेंट है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि सैंपल स्पेस क्या है, इवेंट क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या था, आउटकम क्या था। ये हम प्रोबेबिलिटी में जो वर्ड बार बार यूज होता है जिससे हम घबराने लगते हैं, उसका हम क्या कर रहे हैं, उसका डर हटा रहे हैं फिर। ओके, अब देखो एक्सपेरिमेंट में जो ये इवेंट है ना, प्रोबेबिलिटी में इवेंट बड़े काम का है। जैसे अब देखो इवेंट में ही हम एक चीज़ यहाँ पे सीखेंगे, जैसे एक एग्जाम्पल ले लो, सन राइज इन ईस्ट, ठीक। जैसे आपसे कोई पूछे कि सन राइज इन ईस्ट, तो आप कहोगे यार ये इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है। तो ये बात क्या है आपकी, ये 100% सही है, ये भी कोई पूछने की बात है, हर आदमी बता देगा कि सन राइजेज राइजिंग इन ईस्ट, ठीक है, सबको पता है। तो इस टाइप का ये भी क्या है, सन राइजेज इन ईस्ट, राइजिंग इन ईस्ट, इसका मतलब क्या है, ये भी एक इवेंट ही है, एक टाइप का क्या है, इवेंट है। और इसी इवेंट को हम बोलते हैं क्या, श्योर इवेंट, श्योर इवेंट। इस इवेंट को अपन क्या बोलेंगे, श्योर इवेंट। और ये 100% का मतलब क्या हो गया, 100/100=1, ठीक। तो ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए, 1, उसको अपन क्या बोलेंगे, श्योर इवेंट। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, इस छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू हम प्रोबेबिलिटी का बहुत बड़ा बम फोड़ने वाले हैं। और वो बम है क्या, देखो ध्यान से कि सन राइजिंग इन ईस्ट क्या है, 100% सही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि किसी भी प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम जो बात होगी क्या होगी, किसी भी चीज़ का परफेक्शन क्या होता है, 100%। यार 100% से तो ज़्यादा जा नहीं सकते हो, तो इसका मतलब ये 100%। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कभी भी प्रोबेबिलिटी आप सॉल्व करोगे उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ा कभी नहीं होगा, ये हमको क्या मिला, बेसिक।
जनरली इसको लोग रटा देते हैं कि प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 to 1। अब आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा। जब ये 1 से बड़ा नहीं होगा तो छोटा किससे नहीं होगा, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो इसको भी राइट डाउन कर लो सेम एग्जांपल से। सन सन लिख लो राइज इन वेस्ट, ठीक, सन राइज इन वेस्ट। अरे ये कोई कहने की बात है, आप सबको गुस्सा आएगा, यार क्या ये पागल आदमी है, ये बोल रहा है कि सन राइज इन कहाँ पे, कहाँ पे, वेस्ट में। कहोगे क्या यार ये तो इम्पॉसिबल है, बेकार की बात कर रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, यहीं से हमारा कंसेप्ट निकल के आता है, कौन सा इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। तो इसको राइट डाउन कर लो इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक, इसी को अपन बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। और इसके चांसेस क्या होंगे, 0%। इसका चांसेस क्या होगा, 0%, ठीक। तो ऐसा इवेंट जिसका चांसेस 0, मतलब क्या 0% बोले तो क्या ये आ जाएगा 0, दैट मीन्स 0 अपन क्या होगा ये 100, तो वैल्यू क्या आएगी 0। तो इसका मतलब इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0। तो इसका मतलब इम्पॉसिबल सबसे ये, तो इसकी लोवेस्ट वैल्यू क्या होगी प्रोबेबिलिटी की 0, ठीक, और मैक्सिमम वैल्यू 1। और हमेशा इवेंट, अब इसको राइट डाउन कर लो, ओके। अब देखो, अब हम प्रोबेबिलिटी को ऐसे डिनोट करेंगे जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये हमने ये वाला इवेंट लिया, यहाँ से हमको क्या निकल के आया, लेस देन आर इक्वल टू 1 और ये राइट डाउन कर लो, और एकदम इसको रखना वन डेज एग्जाम में, ठीक है। अक्सर ये चीज़ पूछ देता है कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू किसके किसके बीच में लाई करेगी, जब भी फर्दर आप आगे कम्पिटिटिव एग्जाम देने जाओगे तो ये क्वेश्चन पिट होता है, अक्सर ये पूछा जाता है वन डेज एग्जाम में कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है। तो प्रोबेबिलिटी, वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 to 1, ओके। ये हमारा एक बेसिक कंसेप्ट निकल के आया, तो हम बात क्या किए इवेंट की, चलो तो अब देखो इसके बाद से अपन करेंगे क्या, इसके बाद बिफोर पास द वीडियो एंड नोटेड डाउन, ओके। अब देखिए, अभी हमने डिस्कस करा कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी 0 to 1, ठीक। तो अभी हम इवेंट की बात करेंगे, तो हम अब इसके बाद से क्या सीखेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ इवेंट। इसको राइट डाउन कर लीजिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ई, ठीक, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ई। तो हम कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जैसे होता है ना कि आप मेरे को कोई कॉम्प्लीमेंट दे दिया, हमने आपको कॉम्प्लीमेंट दे दिया, जैसे कोई क्लास में बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ने में, बहुत अच्छा क्वेश्चंस का आंसर बताते हैं, तो टीचर्स क्या बोलते हैं, वाह ये बहुत ही अच्छा बच्चा है, तो उसको क्या मिला, कॉम्प्लीमेंट मिल गया, अच्छा। जैसे राम बहुत अच्छा बच्चा है, तो राम की कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, अच्छा। वही सेम चीज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट में क्या करोगे, ये तो ई था ठीक, ऐसे लिखते थे, तो जब इसके कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो इसको ऐसे लिख दिए, इसके ऊपर एक लाइन ड्रा कर दिया, इसको एक क्या दे दिया, ताजपोशी कर दिए कि तुमको एक कॉम्प्लीमेंट दे दिया गया, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, ई बार बोलते हैं, इसको पढ़ते कैसे हो, ई बार से, ठीक, या फिर इसको कॉम्प्लीमेंट इवेंट भी बोलते हो, ठीक। तो अब यहाँ से तो आपको क्लियर हो गया ना, ये कॉम्प्लीमेंट इवेंट। तो बात ये हुई कि अब देखो बात क्या है, कॉम्प्लीमेंट इवेंट और फिर इवेंट दोनों में क्या होगा, एक रिलेशन होगा, और वो रिलेशन क्या होता है, तो इसको राइट डाउन कर लो कि इन जनरल इट इज़ ट्रू दैट फॉर एन इवेंट ई, ठीक। अब देख लो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार
इक्वल टू वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई. ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई. ओके, देखो तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वन में से क्या माइनस कर दोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को, तो उसका क्या निकल जाएगा, कॉम्प्लीमेंट. ये भी वहीं से कंसेप्ट आया, इम्प्लाइज दैट, इसको ये समझ लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बोले तो वैल्यू क्या मिल जाएगी आपकी, वन. वही वाला श्योर प्लस इम्पॉसिबल, दोनों की वैल्यू क्या है, वन. तो वैसे ही कॉम्प्लीमेंट प्लस इवेंट, सेम इवेंट ई और उसका कॉम्प्लीमेंट, जब दोनों का आप एडिशन करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होती है, वन. ये भी बहुत पूछा जाता है वन डेज एग्जाम में, पी ई प्लस पी ई बार इक्वल टू क्या होगा, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, वन में. टेंथ बोर्ड के एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ओके, चल तो ये था. अब इवेंट फिलहाल हम इतना ही सीखेंगे, ये हमारा ये हो गया इवेंट में ये चीज़. ठीक, अब देखो इसके बाद से, चलो बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन. ओके, अब देखो प्रोबेबिलिटी सीखने से पहले हम लोगों ने कुछ डिफिनीशंस, बेसिक चीज़ों को क्या करा, डिस्कस करा. अब हम क्या सीखेंगे, प्रोबेबिलिटी की डिफिनीशन, प्रोबेबिलिटी होती क्या है, तो इसको आप राइट डाउन करो. तो लिखते चलो द थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल आर क्लासिकल द थ्योरेटिकल आर क्लासिकल प्रोबेबिलिटी द थ्योरेटिकल आर क्लासिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई ऑफ एन इवेंट ई रिटेन एज रिटेन एज पी ई. इसको ऐसे लिखते हैं रिटेन एज पी ई और पढ़ते क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई. रिटेन एज पी ई इज डिफाइंड एज. अब इसको कैसे डिफाइन करोगे, तो यहाँ राइट डाउन कर लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू, लिखो नंबर ऑफ आउटकम्स number of outcomes favorable to e upon number of all possible outcome number of all possible outcomes. ठीक, number of all possible outcomes of the experiment. Of the experiment is called, ये आपकी क्या होती है probability की definition. ठीक, हम क्या सीखे यहाँ से, ये प्रोबेबिलिटी की क्या हो गई डिफिनीशन. ओके, तो प्रोबेबिलिटी की डिफिनीशन क्या है, नंबर ऑफ ठीक आउटकम्स फेवरेबल टू ई जो हमारा इवेंट है, और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, और यही क्या होता है, यही होता है आपका सैंपल स्पेस. ये क्या हो जाता है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, और ये होता है सिंपली नंबर ऑफ इवेंट, जो भी इवेंट है उसका नंबर. जैसे हमने एक अभी एग्जांपल क्या दिया था, रोलिंग अ डाई. ठीक, रोलिंग अ डाई. ओके, तो यहाँ जो हमको सैंपल स्पेस मिला था 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और यहाँ पे अपन एक इवेंट लिए थे क्या, नंबर अपीयर ग्रेटर देन क्या लिए थे 3.
तो यहाँ पे जो हमारा इवेंट ई आया था, क्या आया था? 4, 5 और 6। ओके, इतना तो क्लियर हो गया। अब इसके लिए अगर आपसे ये पूछे अब कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर ग्रेटर देन क्या 3। अगर आपसे ये पूछे तो यही सेम डिफिनेशन आप यहाँ पे लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, यही ना, नंबर ऑफ अपियरिंग ग्रेटर देन, ठीक, अपियरिंग की जगह आप चाहो यहाँ पे गेटिंग, ठीक, गेटिंग भी लिख लो क्योंकि यहाँ पे गेटिंग लिख रहे हैं, ठीक। E इक्वल टू क्या है आपका 4, 5 और 6 है, तो यहाँ नंबर ऑफ E क्या है 1, 2 और 3, यही आपका हो गया नंबर ऑफ E हो गया 3। या इसको सिंपल आप ये भी लिख लेते हैं NE upon NS, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो इस केस में नंबर ऑफ इवेंट कितना है 1, 2, 3, इसको काउंट करा, ये हमने लिखा 3 और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 3 upon 6 = 1/2। तो ऐसे हम क्या करते हैं, सिंपल प्रोबेबिलिटीज़ को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, वेट, अभी तो क्या किए हैं, सिंपल हम प्रोबेबिलिटी में एंटर कर रहे हैं, आपका इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं कि ये ऐसे ऐसे क्या होता है, प्रोबेबिलिटी में हम अप्रोच डेवलप करते हैं। ओके, अब चलो, अब मेनली हमने प्रोबेबिलिटी के डिफिनीशन भी सीख लिया है, अब हम कहाँ आएंगे, क्वेश्चंस पे। लेकिन क्वेश्चंस पे आने से पहले सबसे पहले हम ये डिफाइन करेंगे कि हमें प्रोबेबिलिटी में कितने टाइप्स के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, कितनी इसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं क्वेश्चंस की, उसको हम डिस्कस करेंगे पहले, देन हम आएंगे क्वेश्चंस पे। ओके, बिफोर पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, चलिए अब बात किसकी करेंगे हम, इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक, बात अब किसकी करेंगे कि बेसिकली प्रोबेबिलिटी में कितने टाइप्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक। तो इसकी जो पॉसिबिलिटीज हैं, तो ये होगा आपका बेस्ड ऑन डाई, एक क्या होता है डाई पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, फिर क्या हो सकता है आपका बेस्ड ऑन क्वाइन, ठीक, इसके बाद से क्या होता है आपका बेस्ड ऑन कार्ड्स, ठीक, इसके बाद बेस्ड ऑन ड्राइंग ऑफ बॉल, बेस्ड ऑन ड्रा अ बॉल, ठीक है, ड्राइंग अ बॉल, ठीक, और क्या होता है बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इक्वल टू 1, और साथ में क्या है आपका मिसलिनियस प्रॉब्लम्स, किसकी बात करोगे मिसलिनियस, ठीक है, किसकी बात करोगे मिसलिनियस प्रॉब्लम्स की बात करोगे। तो ये क्या था, हमें जो वेराइटीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होंगे, ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, बेस्ड ऑन किससे डाई से बेस्ड क्वेश्चन, फिर बेस्ड ऑन किससे क्वाइन से, फिर क्या बेस्ड ऑन कार्ड से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, और क्या पूछा जा सकता है बेस्ड ऑन ड्राइंग ऑफ बॉल, जैसे बॉल को जो ड्रा किया जाता है ये क्वेश्चन वो बनता है, और बेस्ड ऑन PE प्लस P बार इक्वल टू 1, और मिसलिनियस प्रॉब्लम, मिसलिनियस बोले तो क्या जो डेली लाइफ में चीज़ें हम यूज करते हैं उनकी हेल्प से प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन, जैसे क्या, जैसे मिसलिनियस प्रॉब्लम में क्या, जैसे दो क्रिकेट टीम है,
टास्क कर रही है, हेड आएगा, टेल आएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस भी हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी में डील करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चंस को डील करने से पहले हम करेंगे क्या, ये बेसिक चीज़ क्लियर रहेगा। जब आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहेगा देन आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को बूम इजीली सॉल्व करोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई प्रॉमिस बहुत इंजॉय होने वाला है ये सेशन, इसमें आप लोगों को कहीं भी एक भी क्वेश्चन में कोई टेंशन नहीं आएगी, इसकी मेरी गारंटी है। ठीक है, इसमें आप बहुत इंजॉय करोगे। ठीक, तो आज हमने सिर्फ और सिर्फ क्या सीखा, बेसिक सीखा। नेक्स्ट वीडियो में बात क्या करेंगे, अब हम ढेर सारे क्वेश्चंस की वैरायटी लेके आएंगे और वहाँ पे अपन करेंगे क्या, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और फिर डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए।